नमस्कार देवी और सज्जनों। तो आज हम जाने वाले हैं हरिद्वार में स्थित मनसा देवी और चंडी देवी। तो इसके लिए आज हम फुल डिटेल वीडियो आपके सामने ला रहे हैं कि मंदिर कितने बजे तक खुलता है, दर्शन कितने बजे तक हो सकते हैं, और हम कैसे जाए, पैदल जाए या रूप से। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम दिखाएंगे। और टिकट के प्राइस कितने हैं और क्या चार्जेस लगेंगे। और मनसा देवी जो मंदिर है वो हरकी पौड़ी से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और इसका रिक्शा का प्राइस है 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ तक ले सकते हैं। वेबसाइट है yatradham.org, फर्स्ट वाला ही। मतलब आप जब भी ट्राई करो तो देखना, कई बार ऐसा होता है कि हम फेक वेबसाइट में चले जाते हैं, हमारा पेमेंट, हम पेमेंट भी कर दे, उसके बाद पेमेंट वो थर्ड पार्टी को चला जाता है जो इसका हिस्सा ही नहीं है। तो इसके बाद ऑनलाइन में ये सब चीज़ें मायने करती है, तो ख्याल रखना ये सब चीज़ों का। कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस है, लाइक दिस। यहाँ पे ये यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री का भी बुकिंग का इधर दिया है, यहाँ पे सब दिया है उसकी हिस्ट्री। यहाँ पे दिया है मनसा देवी टेम्पल टाइमिंग, तो मॉर्निंग दर्शन है 5 से 12 और इवनिंग में है 2 से 9। चंडी टेम्पल, ये मनसा देवी का था, ये अभी है चंडी देवी का, उनका है मॉर्निंग दर्शन 7 से 12। मतलब इसके जैसा ही है, नहीं, 2 घंटे लेट है ये चंडी देवी का। और मनसा देवी एंड चंडी देवी आरती टाइमिंग है मॉर्निंग आरती, यहाँ पे 5:30 बजे, और इवनिंग आरती है 7 बजे। और इधर एड्रेस और वो फ़ोन नंबर दिया है दोनों का, और नीचे ये देखो इधर सब प्राइस लिखे हैं। मनसा देवी एंड चंडी देवी टेम्पल हरिद्वार रोपवे टिकट प्राइजेस, द रेट ऑफ नॉर्मल टिकट इज 349 है, फिर द रेट चाइल्ड टिकट एज एन बिटवीन 2 एंड 4 उनका 195 है, द रेट ऑफ बस टिकट फ्रॉम मनसा देवी टू चंडी देवी वो 195 है। मतलब आप जब मनसा देवी आते हो, वहाँ से आपको चलो चंडी देवी जाना है, तो वहाँ पे बस रखी हुई होती है, उसका टिकट है 95 रुपीज़। और अन्यथा इधर सब कुछ लिखा हुआ है, रुपये टाइमिंग और वो सब। तो आप इधर आके भी अपना ऑनलाइन बुक कर सकते हो, हमने ऑफलाइन ही चूज़ किया था। और ये सब है, ओल्ड इज देन 4 ईयर, 1 एंड 4 एंड एवरीथिंग, बस ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे सब डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल और वो सब करके आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि चंडी देवी कितना है, 5 किलोमीटर है, हर की पौड़ी 3 किलोमीटर। लेट्स गो भाई, चलते हैं। मनसा देवी कुछ इस तरह का रास्ता है, ऐसा छोटी छोटी गलियां हैं और आजू बाजू सब रेसिडेंसी। साइड में ही पटरियाँ है सब, रुपए का जो रास्ता है उसके एग्जैक्ट बाजू में, ये देखो ये लेन जा रही है कुछ इस तरह से, और बहुत वो गलिया जैसा है ये पूरा एरिया। रिक्शा में ऊपर आए थे, हर की पौड़ी से ऊपर आना पड़ता है मनसा देवी के लिए, और अब ये जा रहे हैं। इधर सब शॉपिंग है अभी तो भाई रुपए के लिए आ गए हैं। और ये देखो इस तरफ पूरा मार्केट है और आगे फुल लाइन है, सब फिजिकल टिकट लेने के लिए आए हैं। तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर आप आ रहे हो तो इफ़ पॉसिबल तो यू कैन परचेज ऑनलाइन टिकट, क्योंकि आपको इस लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा और आप डायरेक्ट ही निकल जाओगे। इसीलिए तरह की छोटी छोटी गलियां है यहाँ पे हरिद्वार के अंदर। फाइनली चेकिंग बैकिंग हो गई है, अब जाते हैं रुपवे की तरफ। वेटिंग तो देखो इतना ज़्यादा वेटिंग है, लेते हैं उसके बाद आगे आने के बाद यहाँ से
वो टोकन देंगे, उस पर लिखा होगा कि आपका कौन सा नंबर है। जैसे हमारा है 34 और वेटिंग नंबर है अभी 24, तो 10 वेटिंग है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। वो तार लगी है ना, वहाँ से जा रही है सब रोपवे, वो जा रही है। फाइनली 1 घंटे के वेटिंग के बाद अब हमारा नंबर आया है, ये है और हमारा है 34। है उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो सब, और ये देखो जा रही है। वो अपने अंबाजी पावागढ़ में है ना, कुछ इस तरह से ही है, ऑलमोस्ट सेम ही। इधर ये ग्रीन स्क्रीन लगी है, इधर फोटो फोटो खिंचवाते हैं, स्लिप दे देते हैं, उसके बाद रिटर्न में आओगे तब दे देने का, फोटो आ जाएगा है ना, रिटर्न तक मिलेगा। ओके ओके गए हैं। 3 से 5 मिनट तक लगता है रोपवे के अंदर, और कुछ इस तरह से ऊपर पूरा बाजार है, श्रीफल और वो सब मिलता है इधर, और ये फूल और वो सब इधर ऊपर मिलता है। के आया हो देखता हूँ मंदिर में कैमरा अलाउड है या नहीं, नहीं तो बंद करना पड़ेगा, देखते हैं क्या सीन है, लेकिन फुल डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन जितना कैप्चर हुआ उतना कर लिया है मैंने। तो वही फाइनली हो गए हैं दर्शन, नीचे भी ये मंदिर है 2-3, और ये इस तरह की सब लपेटी हुई है 500 साल, 100 साल, 150 साल उससे बनता है। हमारा तो खिंचवाए थे, वो इधर दिखाते हैं जाते वक्त कुछ इस तरह से। ये देखो, जय श्री राम। तो फाइनली मनसा देवी के दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं चंडी देवी। जैसे कि बात हुई थी हमें मनसा देवी से चंडी देवी जाना हो तो रोपवे की टिकट के साथ भी बस अवेलेबल होती है, अगर ऐसे ना जाना हो तो हम रिक्शा से या ऑटो से भी जा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम चंडी देवी के लिए। मनसा देवी से चंडी देवी जो मंदिर हो 5 से 6 किलोमीटर तक पड़ता है, और इसके भी रिक्शा वाले 20 से 30 रुपये लेते हैं। तो आ गए हैं चंडी देवी, और चंडी देवी एक तरफ है बीच में हर की पौड़ी, और दूसरी तरफ है माँ मनसा देवी का मंदिर। बहुत बड़ी लाइन है, तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं थोड़ा कुछ नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बहुत लाइन है। इधर बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, और रास्ता और वो सब भी अच्छा है, वहाँ सब रेसिडेंसी था और गलियाँ गलियाँ थी। तो भाई इस हिसाब से देखने जाए तो मनसा देवी में अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा था कौन सा नंबर, यहाँ पे ये लोग माइक से बोल रहे हैं, जिसमें होता क्या है आजू बाजू पब्लिक का इतना शोर होता है कि हमें आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। साथ आपको ही घर परिवार के लिए दे जाता है पेड़े का प्रसाद, मात्र 100 रुपए में पेड़ा प्रसाद। लाइन बना देते हैं,
नंबर सबसे आगे, एक दो तीन नंबर। फाइनली वेटिंग के बाद हमारा नंबर आ गया है और सब लोग बोल रहे हैं कि जब बारिश आती है तो ऊपर पर्वत पे से इतना बारिश और वो सब आता है तो ये पूरा धुल जाता है, ये पूरा जो एरिया है मैं दिखा रहा हूँ वो पूरा धुल जाता है और नीचे सब कच्चर पट्टी हो जाती है। मनसा देवी गए थे उससे भी बड़ी बड़ी जो रोपवे है वो इधर है क्योंकि नीचे बहुत लंबी खाई है और इसका जो डिस्टेंस है रोपवे का वो भी बहुत बड़ा है। इसका नज़ारा आप देख सकते हो नीचे हर की पौड़ी पूरा हरिद्वार है, जैसे कि मैंने बोला था एक तरफ हर की पौड़ी बीच में है, हर की पौड़ी बीच में है, एक तरफ मनसा देवी और एक तरफ चंडी देवी। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और आगे वो भैया ने बोला था कि यह बहुत स्ट्रिक है कैमरा के लिए, मतलब आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, फिर भी देखते हैं नहीं तो मैं आपको फोटो दिखाई दूंगा। और इधर बहुत सारे बंदर है भाई, तो मोबाइल और वो सब चीज़ों का यहाँ पे चश्मा हो गया और वो सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। और ये देखो कितनी सारी चुनरिया है माता जी की, सब अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और आगे आगे देखो और ये पूरी सारी चुनरिया है माता जी की और ये अब लाइन में आ गए। और ये देखो माता जी की वो जो बिंदिया होती है वो है और कुछ इस तरह की माता जी की मूर्ति है। और फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और मंदिर के एग्जिट साइड में से बहुत सारे नीचे मंदिर है भगवान के बहुत सारे है। और यहाँ पर भी ऐसा लिखा है फ़ोटो खींचना मना है लेकिन खींच लेते हैं, लेकिन जो मेन मंदिर है चंडी देवी में वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है फ़ोटो खींचना, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं है सच। और यहाँ पर भी ऊपर चंडी देवी मंदिर के ऊपर भी बहुत सारी शॉपिंग के दुकान है, सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ भी मिल रही है। और अब चल रहे हम नीचे, तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करना। और हरिद्वार और इसके बाद हम जाने वाले हैं गोकुल मथुरा वृंदावन, उसके रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन और मैं इसी चैनल पे देने वाला हूँ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर बेल लाइए जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहले आ जाएगी। थैंक यू। क्या आयो?